मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव कमान संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद ही अपना पहला फैसला लिया है। इसमें उन्होंने लाउडस्पीकर और मांस पर नकेल कसी है। वहीं विपक्ष मोहन यादव के इन फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। मोहन यादव ने गुरुवार को पहली कैबिनेट मीटिंग बिठाई। इसके बाद उन्होंने दो बड़े फैसले लिए। इसमें से पहला बड़ा फैसला धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कंट्रोल करना, वहीं दूसरा खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाना है। बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री के इन फैसलों का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मामले की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। यह टीम ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलते ही उस एरिया में जाएगी और कार्रवाई करेगी। इस टीम को धार्मिक स्थलों का औचक निरीक्षण करने को भी कहा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसकी तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित सरकार के मुखिया मोहन यादव जी की कैबिनेट ने खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती और धार्मिक स्थलों पर बजते हुए लाउडस्पीकर पर रोक से जुड़े जो दोनों फैसले लिए हैं वो काफी सराहनीय है। दोनों समस्याएं सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, उन पर नियंत्रित प्रतिबंध लगाकर नई सरकार ने अपने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का अभिनंदन। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहले से ही एक गाइडलाइन है। मोहन यादव सरकार ने इन्हीं का पालन करने के लिए आदेश दिया है। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए चार कैटेगरी है। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिन की ध्वनि सीमा 75 डेसिबल रात के 70 डेसिबल होनी चाहिए। वहीं कमर्शियल एरिया में दिन की सीमा 65 डेसिबल और रात की 55 डेसिबल होनी चाहिए। रिहायशी इलाकों में दिन की सीमा 55 डेसिबल और रात की 45 डेसिबल होनी चाहिए। शांत क्षेत्र में दिन की सीमा 50 डेसिबल और रात की सीमा 40 डेसिबल है।